हेलो। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा आसान सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक आगे जितने भी हम टॉपिक करेंगे उनके अंदर काम आएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है उसको हम यूज़ करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर। तो आज का टॉपिक है हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, वो कंटिन्यूस है। अब कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम कब बोलेंगे? कोई सिस्टम है हमारे पास, अगर उस सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिक चार्जेज, जो ये हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेज हैं, वो क्लोजली स्पेस्ड हैं, ऐसे क्लोजली स्पेस्ड हैं, तो इनको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि जो चार्ज है हमारा वो कंटिन्यूस है, किसी भी बॉडी के अंदर, ये किसी भी सरफेस के ऊपर हो सकता है, किसी भी वायर के ऊपर हो सकता है, किसी वॉल्यूम के अंदर भी हो सकता है, जैसे ये स्फेयर है तो इसके अंदर भी हो सकता है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था कि एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, ये हमने कूलम्स लॉ की हेल्प से क्या किया, फाइंड आउट किया। अब हम क्या करते हैं, अब हम किसी भी बॉडी की वजह से जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर कितना चार्ज है, कितनी फोर्स लग रही है, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमने एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज के ऊपर जो फोर्स थी वो फाइंड आउट की। फिर हमने क्या किया, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल किया इससे जस्ट पीछे वाली वीडियो के अंदर, कि एक चार्ज हमारे पास जिसको हमने नाम दिया था टेस्ट चार्ज, उसके आजू बाजू बहुत सारे एन नंबर ऑफ चार्जेज हैं। अब एन नंबर ऑफ चार्जेज हैं तो उन सभी चार्जेज की वजह से इस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या फोर्स लगेगी वो हमने फाइंड आउट की। अब हम क्या करते हैं, अब हम फाइंड आउट करते हैं कि किसी बॉडी के अंदर, चाहे वो लाइन मीन्स वायर के अंदर हो, या फिर किसी सरफेस के ऊपर हो, या फिर किसी वॉल्यूम के ऊपर हो, उसकी वजह से किसी पी पॉइंट पे क्या फोर्स लग रही है। जैसे मान लीजिए स्फेयर है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन्स कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इस स्फेयर की वजह से पी पॉइंट के ऊपर क्या फोर्स लगेगी ये हम फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले हमें चार्ज डेंसिटी को और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, टू कैलकुलेट द फोर्स ड्यू टू ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। क्या बोला है कि टू कैलकुलेट द फोर्स ड्यू टू ए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ए टेस्ट चार्ज, मतलब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज डेंसिटी इज इंट्रोड्यूस्ड। किसी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या फोर्स लग रही है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें चार्ज डेंसिटी को पढ़ना होगा। तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका एग्जांपल है सबसे अच्छा एक वायर। वायर के अंदर चार्ज क्या होता है, यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हम बोलेंगे लाइन चार्ज डेंसिटी। वायर को हम एज ए लाइन कंसिडर करेंगे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को क्या लिखेंगे, इट इज मे बी
डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि लाइन के अंदर हम लेंथ को लेते हैं। इसको हम अगर फॉर्मूले के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसको हम लिखेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, लेंथ आएगा फॉर स्मॉल एलिमेंट डीएल। अगर हम बात करते हैं, जैसे ये हमने अभी तक कंसिडर किया है कि एक वायर है, इसकी पूरी लेंथ जो है वो एल है, एल लेंथ का वायर है। इसके ऊपर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। ओके, अगर हम इस स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट की बात करें तो क्या होगा, इसकी जो लेंथ होगी वो हम मान लेते डी एल है, और इसके जो ऊपर चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, डी क्यू। पूरे के ऊपर क्यू था, स्मॉल एलिमेंट लेंथ के ऊपर क्या होगा, डी क्यू। लेकिन जो हमारी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, वो इतने पोर्शन के अंदर भी, स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट के अंदर भी क्या रहेगी, लैम्डा रहेगी। इसको हम लिखेंगे डी क्यू अपॉन डी एल। यहाँ से हम डी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लैम्डा इंटू डी एल। ये इक्वेशन हमारे आगे टॉपिक्स में काम आएगी। इसके बाद सेकंड आता है हमारा, सेकंड है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको भी हम सिमिलरली इसी तरीके से डिफाइन करेंगे, इट इज मे बी डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट। अब इसके अंदर देखो, लीनियर था तो पर यूनिट क्या हुआ, लेंथ। अब इसके अंदर सरफेस है तो पर यूनिट सरफेस एरिया। ओके, तो इसको हम फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। ओके, पर यूनिट एरिया भी हम इसको बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें स्मॉल एलिमेंट एरिया की, हम लिखेंगे फॉर स्मॉल एलिमेंट एरिया, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी। अब जैसे ये पूरा एरिया था, इसके अंदर से अगर हमने स्मॉल एलिमेंट एरिया लिया है, स्मॉल एलिमेंट एरिया लिया है, तो इसको अगर ये था हमारे पास S, तो ये क्या हो जाएगा, ds। अब पूरे के ऊपर जो चार्ज था वो था q, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, dq। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे dq अपॉन ds। दिस इम्प्लाइज dq इज इक्वल टू सिग्मा ds। ये इक्वेशन भी हम आगे टॉपिक्स में यूज करेंगे। इसके बाद थर्ड है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको हम रो से डिनोट करते हैं, जैसे हम डेंसिटी को डिनोट करते हैं वैसे ही, ठीक है। तो इसको भी हम सिमिलरली डिफाइन करेंगे, इट मे बी डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम रो से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, हम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम स्मॉल एलिमेंट वॉल्यूम के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फॉर स्मॉल एलिमेंट वॉल्यूम डीवी। अगर डीवी के लिखेंगे तो क्या होगा,
रो इज इक्वल टू, अगर डीवी वी के पास क्यू चार्ज है तो डीवी के पास कितना चार्ज होगा, डी क्यू, स्मॉल एलिमेंट वॉल्यूम के पास स्मॉल चार्ज होगा, ओके, डी क्यू अपॉन डी वी, ओके। यहाँ से हम डी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। ये था हमारा चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, लाइन चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और थर्ड हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसके बाद कंटिन्यू करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से। सबसे पहला है हमारा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है, जब चार्ज एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यूनिफॉर्मली तो उसको बोलेंगे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। व्हेन द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लाइन वी कॉल इट लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ओके। जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एक लाइन के ऊपर तब हम उसको बोलते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसका एग्जाम्पल क्या है, चार्ज ऑन ए लॉन्ग वायर, चार्ज ऑन ए लॉन्ग वायर और ए रिंग एटसेट्रा, या तो किसी रिंग के ऊपर हो या फिर कोई लॉन्ग वायर हो उसको हम बोलते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं एक वायर ए बी, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस वायर की वजह से जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पी पॉइंट पे हमें इस वायर की वजह से फोर्स निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे पी पॉइंट पे हमारा टेस्ट चार्ज रखा है क्यू नॉट। इसकी फोर्स फाइंड आउट करनी है कि क्यू नॉट के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। तो पूरे वायर की वजह से हम नहीं निकाल सकते डायरेक्ट, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वायर का स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट लेना पड़ेगा जिसकी लेंथ है dl, और इसके ऊपर जो चार्ज हो जाएगा वो होगा dq, क्योंकि पूरे के ऊपर q चार्ज था, तो इस स्मॉल एलिमेंट dl के ऊपर क्या हो जाएगा, dq। अब जो dl की जो डिस्टेंस है p पॉइंट से उसको हमने कंसिडर कर लिया, ये है r, ओके। अब हम r डिस्टेंस पे एक p पॉइंट है जहाँ पे q नॉट चार्ज रखा हुआ है इस dl की वजह से, जिसके ऊपर चार्ज dq है, हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे जैसे हम कोलम्स लॉ के अंदर करते थे। तो इसके बारे में हम सबसे पहले लिख लेते हैं, कंसिडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl on the wire, ओके। अब इसके ऊपर जो चार्ज dq है, dq को हम बोल सकते हैं lambda dl, जो हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी के अंदर सीखा था, ओके। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, इसको हम यूज़ करेंगे हमारी सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन क्या होगी, अब बात ये आती है कि फोर्स निकालनी है हमें। अब इस डी क्यू की वजह से जो फोर्स होगी वो हमारी स्मॉल फोर्स होगी, जिसको हम बोलेंगे डी एफ। तो ये हम कूलम लॉ से क्या निकालते थे, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट फोर्स निकालते थे, वहाँ पे था क्यू वन क्यू टू, लेकिन यहाँ पे चार्जेस क्या है, एक है डी क्यू और एक है क्यू नॉट। तो हम लिखेंगे डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वेयर, ओके। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर टू। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन नंबर टू को बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें टोटल वायर की वजह से फोर्स निकालनी है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन से टोटल वायर की फोर्स आ जाएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटीग्रेटिंग इक्वेशन टू बोथ साइड वी गेट। तो जब हम डी एफ को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी टोटल फोर्स आ जाएगी, और
इस साइड में इंटीग्रेट करते हैं तो देखो क्यू नॉट जो है वो है कांस्टेंट, ओके, और बाहर क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये कांस्टेंट है, अंदर रह जाएगा हमारा 1 बाई आर स्क्वेयर इंटू डी क्यू। अब देखो डी क्यू की वैल्यू इसके अंदर हम रख सकते हैं, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। बाई यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, डी क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे, लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वेयर। तो ये आ गई हमारी फोर्स इस पूरे वायर ए बी की वजह से, जो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, एफ वेक्टर इंटू डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा अपॉन आर स्क्वेयर इंटू डी एल, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। ये हो गया पूरा मैग्नीट्यूड और ये आ जाएगी हमारी डायरेक्शन, ओके। तो ये हमारा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इसके बाद हम सिमिलरली सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हो सिमिलरली सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन सिग्मा डी एल, यहाँ पे एल था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ए अपॉन आर स्क्वेयर। अगर हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे एफ पे वेक्टर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर, ओके। उसके बाद हम थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं जो हमारा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो फोर्स होगी पी पॉइंट के ऊपर उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो सिमिलरली हमारे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की वजह से जो हुआ था वही आएगा। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं सिमिलरली, इसको हम स्केलर फॉर्म में लिखते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे वॉल्यूम की बात आती है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं और यहाँ पे हमारा आया था डी एल लीनियर के केस में, डी ए सरफेस के केस में, तो यहाँ पे डी वी आ जाएगा हमारा वॉल्यूम के केस में और नीचे आ जाएगा हमारा आर स्क्वेयर। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो डी वी अपॉन आर स्क्वेयर इंटू आर कैप, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।